नमस्कार, देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी और सरसों का साग। साग के लिए हमने ये पालक ली है और ये सरसों है। ये चना मेरे को थोड़ा सा मिला नहीं, और ये इतनी सी मेथी है, और ये बथुआ है, और ये 10-15 दाने मटर के हैं। मटर ज़्यादा नहीं डालना, फिर मटर का ही स्वाद आएगा साग में। अब हम साग को साबुत को ही धोएंगे और फिर इसको बाद में काटेंगे। ये साग हमने अच्छी तरह धो लिया 2-3 बार, अब हम इसको काटेंगे। ये दोस्तों लगभग 1 किलो साग है जिसको मैं बना रही हूँ। मोटा पतला से कोई फर्क नहीं पड़ता, घोटने से सब एक बराबर हो जाएगा। ये ऐसे ही हम अपने सारे साग को काट लेंगे। ये साग हमने अपना सारा कट कर लिया है। अब मैं इसको पतीली में डालूंगी, मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी इसको, मैं पतीली में ही बनाऊंगी। और इसको 1 से 1.5 घंटे तक इसको उबालूंगी, जब तक ये पीला ना पड़ जाए रज रज के, तब तक उबालूंगी इसको। आपको हमेशा साबुत ही धोना, क्योंकि अगर हम काट के धोएंगे इसको तो इसके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, तो साग में कुछ भी नहीं बचता। हमेशा इसको साबुत को ही धोना। इसमें मैं मटर के दाने डाल रही हूँ। इससे साग में बहुत अच्छा स्वाद आएगा मटर से। ये 1 गिलास पानी का डाला मैंने इसमें, और मैं गैस को बिल्कुल कम करके रखूंगी, तो 1 या 1.5 घंटे के बीच लग जाएगा इसमें। इसको हम गैस पर उबलने के लिए रखेंगे और 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा इसमें। ये हमारा साग अच्छे से उबल चुका है, ये देखना, इसका रंग भी थोड़ा सा पीला पीला हो गया। अब हम इसे बंद कर देते हैं, और इतना हमारा साग ठंडा होगा तो हम अपना मसाला बनाएंगे साग का। साग अच्छी तरह उबल चुका है, अब इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। अब हम इसको घोटने से घोटेंगे, मिक्सी से नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्सी से बनाने हुए साग इतना अच्छा नहीं लगता। ये 1 किलो साग था हमारा, ये लगभग 1 बड़ा चम्मच आटे का है मक्की के आलन के लिए। अब हम इसको आटा डाल के इसमें मक्की का, और दोबारा से फिर घोटेंगे इसको। अगर आपके पास ये मक्की का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, लेकिन आलन के लिए तो मक्की का आटा ही अच्छा लगता है इसमें। इस साग को हमने घोट दिया अच्छे तरह से, जो पानी हमने इसमें से निकाला था वो पानी हम इसमें ही डालेंगे। अब हमें दूसरे पानी की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। इसको घोटने में लगभग 10 मिनट लगी।
ये देखना कितनी अच्छी तरह से मुलायम हो गया ये। और पानी डालेगा इसमें क्योंकि काफी टाइम उबलेगा ये, इसका सारा पानी इसी में ही खत्म हो जाएगा। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, दोबारा से उबालेंगे इसको। ये साग ठंडा होने तक हमने अपना मसाला तैयार किया था। ये हमने लहसुन लिया, एक प्याज ली और चार मिर्च, ये अदरक और टमाटर, और मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से ले लेना। ये हम इसको मिक्सी में पीसेंगे, ऐसे ही साग में डाल देंगे इसको और तड़का बाद में लगाएंगे। साग और कढ़ी दोस्तों टाइम मांगती है, टाइम के बगैर ये अच्छी नहीं बनेगी। कई बार क्या होता है इसमें लहसुन वगैरह बाई के लिए ज़्यादा डाल देते हैं, फिर लहसुन का ही स्वाद आता है, साग का स्वाद उसमें दब जाता है। ये मसाला हमने पीस लिया है, ये लगभग हमने पौना एक घंटा तो जरूर उबालना इसको और बीच बीच में चलाते रहना, तभी हमारा साग अच्छा बनेगा। ये इसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाले, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये हम अपने साग को देखते हैं, ये देखना कितना मुलायम साग बना है। ये मैंने सारा ही साग पतीली में ही तैयार किया है, मैंने इसमें कुकर का इस्तेमाल नहीं किया। ये इसमें आराम आराम से उबलता है और अच्छे से बन जाता है। कुकर में क्या होता है, 4-5 सीटी लगवा के वैसे तो बना लेते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है दम से साग में। ये साग हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से पहले हम अपने आटे को भिगो के रखेंगे। ये मैंने गर्म पानी लिया है, 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। इतना हमारा आटा भीगेगा तो हम तड़का लगा लेंगे। ये 8-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। ये तड़के के लिए हमने घी डाल दिया इसमें, और घी भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। साग है ये तो कितने घी ले लो इसमें तो उतना ही कम पड़ता है।
ये हमारा घी गरम है, ये इसमें एक चम्मच डालेंगे जीरे का, ये एक चौथाई चम्मच हींग का, ये आधा चम्मच इसमें अजवाइन का डालेंगे ताकि साग कई बार गैस बना देता है तो इससे गैस नहीं बनेगी। ये हमारा तड़का रेडी है। ये इसको थोड़ी देर ढक के रखना है ऐसे। ये हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब हम मक्की की रोटी बनाएंगे। ये रोटी के लिए सबसे पहले हम अपना तवा तैयार करेंगे ताकि इस पर रोटी ना चिपके। थोड़ा सा तेल लगाया मैंने इस पर। अब थोड़ा सा इस पर पानी को ठीक कर दूंगी। अब हमारा तवा रोटी के लिए बिल्कुल रेडी है। ये आटा हमने मक्की का भिगो के रखा था, ये अब इसकी स्थिति ऐसे है, ये ऐसे टूट रहा है। अब हम इसको मस लेंगे। ये मैं लकड़ी का चॉपर ले रही हूँ। ये पहले हमारा आटा कितनी आसानी से टूटता, कितना चेंज आया हमारे आटे में, ये अब आसानी से नहीं टूट रहा। अब इसकी रोटी अच्छी बनेगी। ये एक रोटी मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊंगी। इसमें पानी का हाथ लगाएंगे। दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगी मैं आपको रोटी। ये हमारी रोटी बिल्कुल गोल है। ये हम रोटी को पलटेंगे। आंच को हम इसके मीडियम ही रखेंगे। हवा लगानी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जैसे हम ऐसे हवा लगाएंगे इसको, ये ऐसे हवा लगानी बहुत जरूरी है। तो फिर से हम इसको तवे पर रखेंगे। अब हम अपनी दूसरी रोटी तैयार करते हैं। हमने
ये हमने एक प्लास्टिक शीट ली है और इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप पॉलिथीन भी ले सकते हो। ये इसके दूसरी तरफ भी अपने आप ही लग जाएगा तेल। जिससे मक्के की रोटी नहीं बनती उसके लिए ये अच्छे से सेकेंगे हम अपनी रोटी को, करारी बनाएंगे इसको बिल्कुल। ये देखना फूल भी गई हमारी रोटी, क्योंकि आटा अच्छे से बना था इसका। ये हमारी रोटी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको गीला कर रखेंगे। ये रोटी के अंदर घी जाना चाहिए मक्की के, जब ही स्वाद आता है रोटी में। कई बार रोटी क्या होता है फूलती नहीं मक्की की, लेकिन उसमें घी नहीं जाता तो अच्छी नहीं लगती इतनी। अब हम अपनी दूसरी रोटी बनाते हैं। ये मैं इसको प्लास्टिक शीट पे रखती हूँ और ऊपर से ये इसको ऐसे ऐसे करना, या बेलन से भी कर सकते हैं इसको। मैं आपको बेलन से करके दिखाऊँ। ये हल्का हल्का हम इससे बेलन घुमाएंगे। जैसी मर्जी आपकी रोटी बन जाएगी, पतली बनाएंगे तो पतली बन जाएगी। ये हल्के हाथ से ही करना। ये बड़ी आसानी से बन जाती है प्लास्टिक शीट पे। ये हम इसको थोड़ी देर सिकने देंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करना और बेल बटन दबाना। आज से रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है, लेकिन बहुत स्वाद बनती है। ये शीट पे तो आप कैसे भी बना सकते हो मोटी पतली। ये भी रोटी हमारी हल्की हल्की फूल गई है, क्योंकि ये पतली ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा नहीं फूली।
यह हमारी थाली साग मक्के की रोटी की तैयार है और ये अचार है। अगर अगर आपने अचार की वीडियो देखनी है तो ये मैंने लिंक दे रखा है।